सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो थ्री द योग ऑफ द किंग द योग ऑफ द सोल्स रिलीज 39वें पृष्ठ की 8वीं पंक्ति पर 82वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके, तदनुरूप साधना के दुरुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ए ग्लीनर ऑफ इनफाइनिटिसिमल ग्रेन्स ऑफ ट्रुथ, ए शीफ बिल्डर ऑफ इनफाइनाइट एक्सपीरियंस, शीप पायर्स द गॉडेड मिस्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड फोर्स एंड हर मैजिक मेथड्स wrapped in a thousand wheels, or she gathered the lost secrets dropped by time in the dust and crannies of his mounting route, mid old forsaken dreams of hastening mind and buried remnants of forgotten space. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अचलायमान परात्पर की चेतना में उद्भूत हुए संकल्प एको हम बहुश्याम की संसिद्धि हेतु उन्हीं अचलायमान परमात्मा की चेतना का एक बार सचलायमान बनकर सृष्टि सृजन के अणु अणु कण कण में परिव्याप्त होकर निवसित रहने वाली दिव्य अचलायमान प्रभु के अंशों को सत्य के बिखरे अणुकर्ण दानों को अत्यंत अनुभव के अपनी खेती के पूरों को अपनी स्वयं चेतना में लपेट कर रखने वाली उन परमा देवी ने विश्व सृजन शक्ति के ढके छिपे रहस्यों को भेद कर अब विश्व के समूचे विस्तृत विशाल फैले व्यष्टि अणुकणों को परम सत्य को राजा अश्वपति के समक्ष प्रकट कर दिया। अचलायमान परात्पर चेतना का एक सचलायमान स्वरूप से अवतरित हुए सत्य सोपान सत्यम तप जना मव भूव और भूलोक तक के अव्यक्त स्वरूप चेतना के अवतरण से लेकर प्रथम जल अभिव्यक्ति पर अवतरित हुई यह परात्पर चेतना अब ऊर्ध्वगामी बनकर सचलायमान परात्पर की चेतना के अभिव्यक्त हुए जड़ से सतत चेतना ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया से मंद विकासोन्मुक्ता अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया से युगो युगो के महाप्रकृति के श्रम के पश्चात वनस्पति प्राणी
मनुष्यों तक के अस्तित्व के कण कण में सत्य के विराजने की अपनी युगो युगो की संपूर्ण अनथक खेती के बिखरे पड़े सत्य कण के फूलों को बांध कर अपनी ही चेतना में लपेट कर रखने वाली सृष्टि सृजन करने वाली जगन माता परमा देवी ने सृष्टि सृजन के विश्व शक्ति के समस्त ढके रहस्यों को भेद कर सहस्त्र परतों में लिपटी जादुई सभी सृजन संचालन प्रक्रियाओं को उघाड़ कर व्याप्त सत्य चेतना को राजा अशुपति के समक्ष अब खोल कर रख दिया। अव्यक्त चेतना के भू स्तर से व्यक्त जड़ जगत निर्मिति में जल थल अनल अनिल आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्रावलियों ब्रह्मांड अस्तित्व के अणु परमाणु कण कण में परिव्याप्त परमात्म चेतना के सतत ऊर्ध्वारोहण पथ पर सतत विकासोन्मुख बने रहकर जड़ से मानव तक के विकसित स्वरूप पर विकसित हो जाने की प्रक्रिया संपन्न कराते कराते व्याप्त हुई चेतना पर गिरी पड़ी धूल में और दरारों में और ऊर्ध्वारोहण पथ पर विकास प्रक्रिया के समय उतावले मन से छूटे हुए उन्हीं पुराने और भूले सपनों में और जैसे अविकसित प्रदेश के पुरातन काल के अवशेषों को उन्नत विस्तृत विशाल बन गए देश काल में दफना दिए गए बचे खुचे अवशेषों में काल से पतित लुप्त उन रहस्यों को जगह जगह से उसने आज बटोरा और बटोर कर समूचे विश्व ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के सृजन आरंभ से लेकर आज तक के सत्य को राजा के समक्ष खोल कर रख दिया। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के दुरुपद पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहे भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।